उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चार चरण अद्भुत गए हैं। बीजेपी के नजरिए से देखें तो हम 270 से ज्यादा सीटें अब जीत चुके हैं। चुनाव के पांचवें चरण में मुझे विशेषकर रायबरेली सहित यूपी की 14 सीटों पर भाजपा के लिए एक तरफा समर्थन दिख रहा है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये चुनाव ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो लोकसभा के जो चार चरण के चुनाव हुए वो शानदार हुए, और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। पांचवें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश को के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बीते हुए जो चरण हैं उसमें बहुत शानदार मतदान किया है, गर्मी बहुत है लेकिन सबसे अपील है पहले मतदान फिर जलपान। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है।